currently in Mehsana and I'm making my way towards Modhera. I'm standing at the Modhera circle and I've met some amazing people over here. आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूरा रबारी विजय भाई रामा भाई है। कहाँ से हैं आप? यहाँ मैं कड़ी के पास माता सुर गाँव है, वहीं के रहने वाला हूँ। आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर। थैंक यू। ये मेरा बात। अरे कपूर जी, क्या बात कर रहे हो? गुजरात में आए हो, पाटन नहीं जा रहे हो क्या? भाई भाई, जिसकी तस्वीर रान की वाव की 100 रुपए की नई नोट पर छपी हुई है, एक बार तो मुलाकात ले लीजिए भाई। ले लीजिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। उसके लिए आपने पाटन देखा है तो सब देख लिया गुजरात में। अब तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो लोकल ने कह दिया कि बहुत जरूरी है, आप नहीं जा रहे हैं तो क्या कर रहे हो? मजा आएगा, एंजॉय लगेगी आपको। आप गुजरात में आएंगे ऐसा लगेगा तो गुजरात में हम आ गए, बढ़िया। नेक्स्ट डेस्टिनेशन पाटन, रान की बाव देखेंगे हम। 100 रुपए का नया नोटिस ही भाने हम। एक मंदिर टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल। सन टेम्पल के बारे में जानते हैं आप? नहीं, मैं पूरा तो नहीं देखा, पर वहाँ पे थोड़ा अपना क्या बोलते हो, वो क्या सूर्य का पहला किरण उसके पहले मंदिर में ही पड़ता है। आनंद प्रजापति कह रहे हैं कि मोलधेरा जाने से पहले आप एक बहुत जरूरी काम कर लीजिए। यहाँ की एक फेमस डिश है बहुत ज्यादा, क्या है वो डिश? किशन दाबेली सबसे ज्यादा चल रही है, फक्त नाम से ही काफी है। किशन दाबेली नाम की जगह जहाँ पे गुजरात की एक फेमस डिश है जो कहते हैं दाबेली नाम की, बर्गर जैसा होता है, वो हम जाके देखेंगे क्या होता है। बट मुंह में पानी आ जाएगा दोस्त। He's kind enough to take me to that place before I leave for Modhera. So gotta go have some dabelis. Let's go get it. इधर कोई टेंशन नहीं लेने का भाई। अच्छा, कोई आपका कुछ बिगड़ नहीं पाएगा ऐसा, मतलब लोग बढ़िया है इसलिए कि क्राइम नहीं होता है जल्दी जल्दी बोले तो। क्रैश कोर्स इन द गुजराती फूड सिस्टम। जो भी गुजरात में खाने को चीज़ें मिलती हैं वो अंकर खमानी नाम की इस दुकान पे सब मिलता है, और अब मुझे पता लगने वाला है कि क्या क्या है, कैसा कैसा है, कैसे बनता है। स्टे ट्यून्ड, आपको भी पता लग जाएगा। गुजरात आएंगे तो आपको पता है कहाँ आना पड़ेगा आपको गुजराती खाने का असेंस लेने के लिए। आइए जानते हैं। हाय, कैसे हो? हम मेहसाना से बात कर रहे हैं मित्रों। मेहसाना की जो फेमस चीज़ है अंकुर खमनी, वहाँ से ये नाश्ता बहुत फेमस चीज़ है। ये इसको बोलते हैं पात्रा रोल, जो वेजिटेबल रोल से किया जाता है, उसको फ्राई करके बनाया जाता है। वो बहुत खाने में टेस्टी और क्रंची रहता है। मीठा है? मीठा है, मीठा है क्या? बाद में, पहले हम देखते हैं और क्या क्या सब देखते हैं। जो खमनी है वो चने की दाल से बनती है, जो ढोकला है वो बेसन और चने को मिक्स करके बनाया जाता है, और जो ये वेजिटेबल रोल है ये अरबी के पत्तों को रोल कर उसे स्टर फ्राई करके बनाया जाता है। एंड अपेरेंटली खमनी इज दैट डिश जिसकी वजह से ये पूरी दुकान बहुत फेमस हो गई है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। और एक बार तो आना चाहिए जब उत्तर नॉर्थ गुजरात में आते हो। नॉर्थ गुजरात में आते हैं तो आपको आना पड़ेगा अंकुर खमनी मेहसाना में। बिल्कुल, अंकुर खमनी मेहसाना में। और अगर इतना कुछ खा ही रहे हो तो पापड़ा भी खा लेना, बेसन का बनता है, हाथ से बनता है और चटनी के साथ खाया जाता है। पापड़ा दिखता कैसा है? ऐसा। मैं खुद पहली बार गुजरात आके इन गुजराती स्पेशलिटीज को टेस्ट करने वाला हूँ, एंड आई एम प्रिटी एक्साइटेड। आई थिंक दे विल बी अमेजिंग। आइए शुरुआत करते हैं। चलो पहले इससे शुरुआत करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं ढोकले। खमनी इज बेसिकली मैश्ड अप ढोकला विद सम सेव, एंड इट इज सपोज टू बी हैड विद द ग्रीन चटनी।
काफी रंगीन नाश्ता है। द वेजिटेबल रोल AKA पाता, इसको खाया जाएगा ऐसे ही, कोई चटनी नहीं लगाने की जरूरत, ऐसी बहुत मजा दे देगा आपको। अलग टेस्ट है काफी। द सैंडविच ढोकला, थैंक यू सो मच, थैंक यू, मजा आ गया। मेरा फेवरेट खमनी और सेव और ढोकला, गजब, थैंक यू सो मच। गुजरात में मेहसाना में, जिसके फेमस चीज है किचन दाबेली। नाउ यू नो वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर हियर टू डू, सो लेट्स गेट टू इट। किशन दाबेली पे आपको मिलेगी दाबेली 15 से 55 रुपए के बीच में, और ये दुकान है 18 साल पुरानी। 18 साल से कुछ काम अगर कोई कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा। तुम्हारा नाम सूचे हमीर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी दाबेली बनाने के लिए, बहुत बढ़िया बनाई आपने। थैंक यू। ये मोदी जी है ना जी, वो यहाँ से ही है, मेहसाना से। हाँ, हमारे मोदी जी भी मेहसाना से हैं। वाह, अच्छा, वो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट भी लगता है उसका गांव से। अच्छा, से 30 किलोमीटर होता है, 30 किलोमीटर नगर मेन बस स्टॉप है। कोई भी जगह पे जाओ हाँ, तो सबसे सेफ जगह है बस स्टॉप। अच्छा, आप पाटन भी जाओगे ना हाँ, तो ऐसा ही मिलेगा। I was near the bus stand just ordering a tea, and I had the opportunity to witness the warm hospitality of the Gujaratis. I met Anand Prajapati. Hi. He showed me around, he took me to places where I could eat. He did not let me pay for them, and he's even showing me around the bus stand, which is very modern. It has all the facilities and great artwork. It shows that the government is taking strong action to make sure that the Indian infrastructure, the Indian infrastructure is being updated and upgraded to the best possible versions. It's great. And I am on my way to Modhera. I'm going to first try and find accommodation for the night, and if I am unable to find it in Modhera, I might have to go to Becharaji, get my accommodation and come for the Sun Temple tomorrow morning. So accommodation is important, getting my stuff to the right place at the right time is important. Bus se utarte hi kuch dur chalte hi mujhko milega guest house.
I am currently at a place called Shri Khatri Ganati Dharamshala, and I am hoping to get a room over here unless they have a bias of religion towards me. But other than that, I'm hopeful that I'm gonna get a place here. And there's a rate list outside, and one of them says 300 bucks, and I'm hoping that's a single simple room, and I'm hoping to get that for 300 bucks. That's a very good deal. I've spent a total of 21 plus 16, 37 rupees on travel so far, and 20 rupees on a bottle of water, and that's about it. So 300 plus all of that, 300 plus 37 is 337, and I am left with 163 rupees to spend. That's a good amount. I can do a lot in that. So waiting for someone to come and tell me, hey, your room is ready. There's no one over here, so kind of waiting. ₹300 में हमें मिला कमरा. कैसा है कमरा आपको दिखाते हैं जरा. कमरा कैसा है ₹300 में सर. आइए. साफ कमरा, सस्ता कमरा, और क्या चाहिए? बेचरा जी नाम के एक छोटे से टाउन में बैठे हैं, खाना खाने लगे हैं. ऑर्डर्ड सम दाल विच इज फॉर 40 बक्स, रोटीज फॉर 8 रुपीज, वन रोटी फॉर 8 रुपीज. आई एम गोना हैव लाइक 3, एंड इट्स मील ऑन अ बजट. आई एम गोना ट्राई टू पिक अप सम फ्रूट्स बिकॉज़ आई रियली नीड न्यूट्रिशन राइट नाउ. बॉडी इज काइंड ऑफ ड्राइंग अप. Yeah, that's about it. See you guys later.